Hi guys and welcome to the Veena Decodes. Title से आप समझ गए कि I will show you all the things that I bought from IKEA. No, it is not a sponsored video. IKEA ने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया to show their products. तो IKEA से बहुत सारे सामान मैंने खरीदा घर के लिए और I have actually saved something around कुछ नहीं तो 8 to 10 lakhs on furnitures. Oh my God! Wow! बिकॉज आई बॉट देम फ्रॉम आइकिया. काफ़ी यूनिक है और सब वाइट वाइट कलर का है और इट एक्चुअली वेंट विथ माई डेकोर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये चेयर मैंने आइकिया से लिया. दिस इज़ माई मेकअप चेयर और इसका मैं दे दूंगी अगर आप लोगों को पसंद है. दिस इज़ द ग्रे कलर. इट एक्चुअली ग्रेश बेजिश कलर. ये मैंने अलग से लगाया. ये एक्चुअली चेयर है और मेरे मेकअप के लिए एकदम परफेक्ट है. तो इसको मैंने अलग से लिया है नॉट फ्रॉम आइकिया, कवर करके रखने के लिए. नेक्स्ट आर दीज कर्टन्स. दीज आई गॉट फ्रॉम आइकिया अगेन. आई फाउंड इट सो मच मोर चीपर. इट वॉज रेडीमेड पर्दा. इसको मैंने ऐसे रोमन ड्रॉ कर्टन्स बनाया. नॉर्मल कर्टन्स थे. तो इफ यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर नॉर्मल कर्टन्स विथ अ रॉड तो आप आइकिया से ले सकते हैं. दीज आर एब्सोल्यूट कॉटन और जो कलर कॉम्बिनेशन मैं रूम का सोच रही थी विद बेज एंड पिंक, दिस इज़ द एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन दैट आई गॉट. मैंने दो पर्दे खरीदे एंड जो प्राइस वाइज है वो तो मैं नीचे लिंक में दे दूंगी. और उसके साथ एक्स्ट्रा कपड़े भी बच गए तो जिसका मैंने ये बेड रनर भी बना लिया और यू नो छोटे कुशन के कवर्स भी बना लिया. अनदर थिंग फ्रॉम आइकिया आर दीज छोटे कुशंस विद द कवर. ये भी मैंने पूरा का पूरा आइकिया से ही लिया है. अनदर थिंग दैट आई बॉट फ्रॉम आइकिया आर दीज चेस्ट ऑफ ड्रॉयर्स. बहुत ही अफोर्डेबल है. बहुत स्मूथ टच हिंजेस. ऐसा नहीं है कि अटकता है फंसता है. मुझे मेकअप कलेक्शन का डेफिनेटली बहुत शौक है. मेकअप इनफैक्ट स्किन केयर और ऑर्गेनाइजेशन का शौक है. अगर मेरे जैसे आप लोगों को भी ऑर्गेनाइजेशन का शौक है यू कैन गेट दीज चेस्ट ऑफ ड्रॉअर्स. इसमें जैसे मैंने क्लिप्स वगैरह रखा है, रबर बैंड्स, यू नो ऑल दीज क्लचेस. इसमें मैंने बहुत सारे आई लैशेस रखा है और आई लैशेस. ऑल द वीमेन विल नो वॉट दिस इज. एंड बिंदी, आई लैश ग्लू, दुनिया का सब कुछ. इसमें मैंने बहुत सारे क्लिप्स विप्स ये सब कुछ रखा है. इसमें जैसे नेल्स की मैंने रखा है बहुत सारी चीज़ें. इसमें मैंने अपने बालों का जो सामान है वो सब कुछ रखा है. यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है लाइक द लोरियल का हाइलुरोनिक एसिड, कुछ तेल, क्रीम. इस ड्रॉअर में ये भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन का सामान मैंने लिया है फ्रॉम आइकिया. इसमें मेरे सारे हेयर बैंड्स वगैरह है और इसमें मेरे सारे लेंसेस वगैरह है. इसमें दुनिया भर के मास्क है. ये हेयर बैंड इधर क्यों है पता नहीं. एक्स्ट्रा सब मास्क वास्क है जो रेगुलरली यूज़ होता है. हेयर बैंड की जगह पर रख देती हूँ. ड्रॉअर के अंदर जो सामान है दैट इज़ नॉट द टॉपिक. उसके लिए मैं एकदम डिटेल में मेरे सारे ड्रॉअर्स एक दिन ऑर्गेनाइज करूँगी आप लोगों के साथ. इस रूम में आइकिया से बस इतना ही था. नाउ गो टू द अदर रूम. कमिंग टू माई स्टडी रूम. हर रूम में आइकिया का कुछ ना कुछ है. इस रूम में एग्जैक्टली ये चेयर है विच आई गॉट फ्रॉम आइकिया. दिस इज़ लाइक द वर्क डेस्क. ये भी आइकिया से है. दिस इज़ द आईपैड स्टैंड. और एक चीज़ जो मैंने आइकिया से लिया है वो है पर्दे. तो यहाँ पे भी मैंने रोमन कर्टन कराया. इसके पीछे मुझे अलग से ब्लाइंड्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज ये कर्टन खुद में ही काफ़ी मोटा है. टॉकिंग अबाउट द लिविंग रूम, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना लिविंग रूम इज़ द डाइनिंग टेबल. एंड माई डाइनिंग टेबल इज़ फ्रॉम आइकिया. येस, दिस इज़ दैट एक्सटेंडेबल डाइनिंग टेबल. अदरवाइज ये 5 feet का है. अगर घर में गेस्ट हो जो कि आजकल बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन देर इज़ नो गेस्ट दैट हैज़ कम. बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को. बोल. बट अगर घर में गेस्ट आए तो आप इसको खींच के लंबा भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ दैट डाइनिंग टेबल एंड इट इज़ वुडन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट इन वुड तो इसीलिए मैंने वुडन वाइट कलर डाइनिंग टेबल खरीदा फ्रॉम आइकिया. टॉकिंग विद द सोफ़ा, सोफ़ा डेफिनेटली आइकिया से नहीं है. लेकिन सोफ़े के ऊपर जो
थ्रोज और जो भी कवर है ये सारा आइकिया का है। वाइट सोफा है उसको कवर भी करना है, और कवर मैं कोई और कलर से कर दूँ किसी और मटेरियल से वो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए आई गॉट दीज वेरी नाइस थ्रोज फ्रॉम आइकिया। बहुत कंफर्टेबल भी है और बहुत खड़ा खड़ा नहीं रहता, स्लिपरी नहीं है कि स्लिप हो जाए, सो आई क्वाइट लाइक दीज। काफ़ी सारा और भी मंगवा लिया ताकि मैं इसको धोने दूँ तो दूसरा वाला लगा सकूँ। एंड मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। जब हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे फिल्म देखते हैं और ठंडी लगती है तो हम लोग ओढ़ लेते हैं ये छोटा सा यू नो थ्रो से। दीज आर ऑल्सो फ्रॉम आइकिया एंड दीज आर फॉर अनबिलीवेबली लो प्राइस। आई थिंक इट इज़ $2.99, नॉट टू श्योर। तीन छोटे छोटे ये स्टूल्स, दे आर वेरी नाइस, वेरी ईजी टू यूज़, वेरी ईजी टू स्टैक। एक्चुअली जब घर में ऐसे ऐसे अलग अलग पड़ा रहता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है ये। और एक मैंने अपने रूम में रखा है फिलहाल। दीज आर टू गिव यू नो चाय कॉफ़ी सोफे में बैठ के अगर कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं। दीज आर वेरी हैंडी स्टूल्स, आई जस्ट लव देम। मैंने ये थोड़ा सा फ्रीक बाई था फ्रॉम आइकिया, बट एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा बाई हो गया है फ्रॉम आइकिया। ये पर्दे भी आइकिया से है। दीज आर ट्रांसपेरेंट सेल्फ डिजाइंड पर्दे। दीज आर जस्ट टू गिव द लुक टू द हाउस। यू कैन सी इट्स लुकिंग सो नाइस एंड ब्यूटिफुल। एंड दीज आर ब्लैकआउट वाइट कर्टन्स। छोटी सी मज़ेदार मैं बात बता दूँ, जब पर्दे वाले को मैंने पर्दा सिलने दिया, द वे आई सेड दीज आर ऑल रेडीमेड पर्दे ऑलरेडी, तो पर्दे वाले ने कहा कि आप क्यों रेडीमेड पर्दे खरीद के उसको ऐसे ये रफल्स डाल के ये पर्दे आप क्यों बना रहे हैं, उससे तो अच्छा है कि आप वाइट कलर का शीट खरीद लीजिए, पर्दे का जो कपड़े होते हैं उससे आप सिलवा लीजिए। तो मैंने बोला आप इधर के रेडीमेड पर्दे के प्राइस देखो और आप पूरा पर्दे का कपड़े का प्राइस देखो, दीज आर सो मच मोर चीपर। सारे पर्दे मिला के मैं बाहर से जो मुझे खर्चा हो रहा था उसके आधे से आधा खर्चा हुआ। ऑब्वियसली आई हैड टू गेट द पर्दा डन, ये सारी चीज़ें चैनलिंग वगैरह ये सब मैंने कराया, बट द पर्दा का कपड़ा वाइट एंड दीज पर्दा सब मिला के इट वॉज रियली रियली अफोर्डेबल एंड वेरी गुड लुकिंग। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग फ्रॉम आइकिया इज दिस ह्यूज मिरर। देखिए इट इज़ सो बिग एंड ये मिरर भी एक्चुअली इसका कोई प्लानिंग नहीं था बालकनी में लगाने का, बट जब मेरा बाथरूम तैयार हुआ वो बाथरूम में एक्चुअली थोड़े से बेजिश गोल्डिश टाइल्स लग गए थे मेरे बाथरूम में, तो आई हैड टू कॉम्प्लीमेंट इट विथ लॉट ऑफ गोल्डन स्टफ इन द बाथरूम, गोल्डन टैप, गोल्डन बेसिन, तो उसके साथ ये वाइट मिरर जा नहीं रहा था, इट वॉज नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग, तो इसीलिए मैंने बाथरूम में अलग मिरर बनवाया और वो मिरर मैंने यहाँ पर लगा दिया बिकॉज दिस गिव्स अ वेरी गुड लुक टू माई होल बालकनी। नाउ हम लोग काफ़ी फोटोशूट भी यहाँ पर करते हैं, सो दिस मिरर रियली रियली इज अमेजिंग। Another thing that I got from IKEA is this TV console. You know, you can modify and design according to your space availability. तो ये actually ये तीन था, एक दो तीन, मैंने वो extra add किया because I wanted to cover the whole space. नहीं तो वो बीच में थोड़ा सा आधा अधूरा लगता. So यहाँ पे actually दुनियादारी सब कुछ है मेरा, बहुत सारा स्टोरेज, आई लव स्पेसेस विद स्टोरेज। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है थोड़ा छुपाया हुआ, आर दीज सेट ऑफ ड्रॉअर्स। सो दीज आर द चेस्ट ऑफ ड्रॉअर्स अगेन फ्रॉम आइकिया। ये थोड़ा छुपाया हुआ है क्योंकि इतना सारा स्टोरेज की रोज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मेरे घर में ज़रूरत पड़ती है। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, आप लोग इतने गुरमीत को टोपी गिफ्ट किए इतने सालों से कि देखिए सारे टोपी रखने के लिए जगह तो होना चाहिए, सो दिस इज़ द ड्रॉअर टू कीप ऑल द टोपीज़। लाख लाख टोपी है इधर और सारे टोपियाँ आप लोगों ने इतने प्यार से दिया है और फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड गुरमीत लव्स ऑल ऑफ देम, तो ऑब्वियसली आई हैव टू कीप ऑल ऑफ देम। सो आप लोग पूछ रहे थे ना मेरे बेडरूम में गुरमीत के लिए कहाँ सामान रहता, मतलब पूरे घर में है सामान, मैं कैसे समझाऊँ।
सो हियर आर माई लॉट्स ऑफ डीवीडी कलेक्शन. हम लोगों को फिल्में देखने का शौक है, लेकिन नेटफ्लिक्स और ये सारी चीज़ें तो हाल ही में आया है. इससे पहले हम लोग ऐसे फिल्में देखते थे डीवीडी से. ओ माय गॉड, दिस इज़ माय फिल्म्स डीवीडी, लाला अम्माइलू अब्बाइलू, ये सारी चीज़ें, यू नो द डीवीडीज एंड ऑल, ये फेंक तो नहीं सकते हैं. सो दीज आर द स्टोरेज दैट आई हैव मेड टू कीप ऑल दीज थिंग्स. सो नाउ यू विल अग्री कि मेरे घर में इतना स्टोरेज की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आप लोगों से मिला हुआ जो भी प्यार है हम दोनों हाथों से एकदम बांध के रखते हैं. कोई भी चीज़ ऐसा नहीं सोचते, ज़रूरी नहीं है फेंक दो, पेपर ही तो है और मिल जाएगा, ये वो, जगह नहीं है घर में. मैंने कोई भी बहाना नहीं रखा. आई हैव केप्ट एवरीथिंग इन द हाउस. आई डोंट थिंक आई मिस्ड एनीथिंग. हाँ, ऑब्वियसली बहुत सारी छोटी छोटी और भी चीज़ें हैं जो आइकिया से मैं लाई हूँ, छुरी, चम्मच, कप्स, डिशेस, छोटी छोटी चीज़ें. ये सारी चीज़ें अगर नहीं भी दिखाऊँ तो चलेगा. घर में जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो लोग यूजली सोच नहीं सकते कि आइकिया से आप ले सकते हो, मैंने सब कुछ को थोड़ा बहुत ट्वीक किया. जैसे इसमें मैंने लेग्स बना दिया, और यहाँ पे यू कैन सी ये जो मेटल रॉड है इसको मैंने इसी के साथ कनेक्ट किया और इसको यू नो स्टेबिलिटी दिया. इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है. और ट्रस्ट मी, दिस वॉजेंट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो एट ऑल. मैंने खुद बहुत इन्जॉय किया, एक्चुअली आइकिया जाके भी इन्जॉय किया, शॉपिंग करके भी इन्जॉय किया, तो सोचा मैं दिखाई दूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग. काफ़ी सारा पैसे भी बचाए. सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द बीना डीकोड्स. और हाँ, जो जो भी मैंने ख़रीदा मैं उसके कोड के साथ मैं नीचे दे दूँगी, इफ़ In case it helps you to find out stuff for your own house. Bye bye.